हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका मट्टी गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे से बिजी भी होंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मट्टी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आज जो आपके सामने प्लांट है वो है दोस्तों पिलबेयर का प्लांट। ये मैंने सुपर नर्सरी से परचेस किया था अभी 2 महीने पहले। दोस्तों, इसमें देखिए कितनी अच्छी देखिए फ्लावरिंग आ रही है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। पूरा प्लांट जो है वो फ्लावर से भर गया है। तो ये देखकर दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी 2 महीने पहले मैंने महज प्लांट परचेस किया और इतनी अच्छी उसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों, एक एक ब्रांच पर देखिए कितने कितने फ्लावर आए हुए हैं। अब इतने फ्लावर तो हमारे फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो इनमें से कुछ भी फ्लावर अगर कन्वर्ट होते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर हमें ऐसा रिजल्ट मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय पर इससे कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं इसका पॉट दिखाता हूँ किस टाइप का मैंने इसका पॉट लिया हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने एक 18x18 इंच के ग्रो बैग में इसको लगाया हुआ है, कपड़े का ही ग्रो बैग है। पॉटिंग मिक्स की बात करें दोस्तों जो मैंने इसके लिए तैयार किया है, तो उसमें दोस्तों वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है, गार्डन सॉयल है, थोड़ा सा दोस्तों मैंने इसमें जो है फंगीसाइड पाउडर मिलाया था। इसके अलावा दोस्तों मैंने इसमें कुछ भी नहीं यूज़ किया है। 60% इसमें सॉयल है तो 40% हमारी इसमें कंपोस्ट है। इस तरीके का मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार किया है। अब देखिए, जब इस पर इतनी अच्छी सी फ्रूटिंग हमारी शुरुआत हो गई है, इनमें अब फल बहुत जल्दी बनना शुरू भी हो जाएंगे और ये जो है दोस्तों ग्रीन कलर के जो है फ्रूट्स बनेंगे। और दोस्तों, जब इनमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो इस टाइम पे क्या है दोस्तों, हमें इनको सपोर्ट देना होगा। ये देखिए दोस्तों, 4 स्टिक लगा के मैंने इनको अच्छे सपोर्ट दे दिया। हर ब्रांच को दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने बांध दिया है, यहाँ पर एक ब्रांच को बांधा है, यहाँ पर एक ब्रांच, ताकि इनमें जब फ्रूटिंग हो तो फ्रूटिंग का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा। तो ऐसे में दोस्तों हमारे फ्रूट जो है इधर लटके नहीं जाता, प्लांट पर इधर लोड ना आए, तो इस वजह से मैंने इसको अच्छे से सपोर्ट दिया है। अभी जो ब्रांचेस हमारी रह गई हैं उनको भी हम जो है अच्छे सपोर्ट जैसे इनको ऐसे बांध देंगे, ताकि फ्रूट का साइज़ थोड़ा दोस्तों बड़ा हो। जब उसको सपोर्ट मिल जाता है तो साइज़ थोड़ा सा दोस्तों बड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, अच्छे से इसको सपोर्ट करिए और ज़्यादा पानी दोस्तों देने की ज़रूरत नहीं है। अब मिट्टी देख लीजिए अच्छे से ड्राई है, तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दी थी और गुड़ाई करने के बाद दोस्तों जब इनमें देखिए इस तरीके के फ्लावरिंग हमारी शुरू हो गई और हम चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा हमारे फ्रूट्स बने, तो हमको इनको क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र देना होगा। तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या इनको देने वाला हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सीविट, तो इसका यूज़ मैं करने वाला हूँ दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र। तो इसको मैं जब दूंगा, जितने भी दोस्तों हमारे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वो फ्रूट में कन्वर्ट जरूर होंगे। इसको देने से पहले दोस्तों अच्छे से अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर लें, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम इसको मिला लें और अपने प्लांट्स में इसको दे दें। तो इस तरीके से दोस्तों अब आपके सामने देखिए मैंने एप्पल बेयर का प्लांट दिखाया है और इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और आने वाले समय पर दोस्तों ये प्लांट जैसे जैसे साल बाई साल और भी घना होता चला जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों कि इस टाइम पर दोस्तों इसमें कीड़े लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में नीम ऑयल का स्प्रे इनके ऊपर बीच बीच में करना है। वैसे तो इनके ऊपर जब फ्लावरिंग हो रही है तो ज़्यादा नीम ऑयल का ज़्यादा हमें स्प्रे नहीं करना है, बट जब आपको कुछ दिखाई दे तो हल्का हल्का सा बिल्कुल नीम ऑयल का स्प्रे इसके ऊपर आप कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रूट जो है वो इसमें कीड़े वगैरह ना लगें। इस टाइम पर कीड़े लगने के ज़्यादा इनके अंदर डर होता है, तो इस बात का भी दोस्तों ध्यान दें, हल्का हल्का सा दोस्तों करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करते हैं तो जो मधुमक्खियाँ हैं और भी चीज़ें हैं वो आएंगी नहीं और आपके जो फ्लावर हैं वो फ्रूट पे तक कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ज़्यादा नहीं करिएगा, थोड़ा थोड़ा सा करिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आपके प्लांट्स में लगती है तो, अगर नहीं लगती है तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की, देखते रहिए, वॉच करते रहिए अपने प्लांट को। तो दोस्तों इस तरीके से आज का जो वीडियो था वो एप्पल बेयर के प्लांट के ऊपर था, इनकी केयर के ऊपर था, किस तरीके से हम अपने गार्डन में एप्पल बेयर का प्लांट ऐड करके इनकी उनसे बहुत अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। और आने वाले समय पर इसका स्टेप बाई स्टेप अपडेट भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करता रहूँगा, जब इसमें फ्रूट्स बनेंगे तब भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गार्डनिंग।